हेलो एंड वेलकम बैक टू द नूबर्स कम्युनिटी। तो आज हम एक फ्री गेम के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अगर टाइटल पढ़ा होगा तो आपको पता चल चुका होगा। यस, आज हम फार क्राई 3 के बारे में बात करने वाले हैं। फार क्राई 3 अगर आपको फ्री में अवेल करनी हो तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप ये हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंसिडर लाइकिंग ऑल्सो, तो हमको पता चले कि आपको और फ्री गेम्स चाहिए हो। तो अगर कोई फ्री गेम्स आती हैं किसी भी सर्वर पे या फिर इंडियन सर्वर के लिए या तो हम आपके लिए वो वीडियोस लेके आएंगे कि आपको कैसे अवेल करना है या। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम फार क्राई 3 के स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। स्टैंडर्ड एडिशन फार क्राई 3 का फ्री मिल रहा है, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको वो इंडियन सर्वर पे फ्री नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए फार क्राई 3 के जो यूबीसॉफ्ट चाइना का वेबसाइट, फार क्राई 3 जो है यूबीसॉफ्ट की गेम है, तो उसके लिए आपको यूबीसॉफ्ट की जो चाइना की वेबसाइट है आपको उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको ये गेम को अवेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एक, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे एक खुल जाएगा, एक वेब पेज खुल जाएगा। यूबीसॉफ्ट चाइना की ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप फायर क्राई 3 आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन गिव अवे चल रहा है इसका, 88 युआन का है, बट ये यहाँ पे अभी कुछ ये 9 months और 7 days दिखा रहा है। बट कंसिडर अगर मैं करूँ तो मे बी ये ऐसा है कि 9th ये मतलब दिस मंथ के 7 तारीख तक मे बी ये ऐसा फ्री मिलेगा, ये ऐसा कुछ होगा। ये थोड़ा इनका ये इंग्लिश में ट्रांसलेट में भी ऐसा कुछ उल्टे से हुआ है मे बी। तो चलिए आपको ये कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप ये वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया। तो आपको क्या करना है, पहले आप जैसे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो लॉगिन पेज में आपको वहाँ पे लॉगिन कर देना है अपना अकाउंट। और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है यूबीसॉफ्ट का तो आपको यहाँ पे अपना यूबीसॉफ्ट का आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बिना आप ये नहीं मतलब क्लेम नहीं कर सकते इस गेम को। तो क्लेम करने के लिए आपको यूबीसॉफ्ट में आईडी पासवर्ड बनाना कंपलसरी है। तो आपको यूबीसॉफ्ट में सबसे पहले बस आईडी बना लेना है। यूबीसॉफ्ट में आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। आप जैसे आईडी बना लेंगे और आईडी लॉगिन कर लेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे देखिए आप मे बी आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप होम पेज पे जैसे रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे आप सेम उसी लिंक पे आके वापस सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फार क्राई 3 लिख देंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो फार क्राई 3 सर्च कर लेते हैं। फार क्राई 3 यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा स्टैंडर्ड एडिशन फ्री कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको इस पर वापस क्लिक कर देना है, लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद ही ये सर प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पीसी वर्जन के लिए है, ये एक्सबॉक्स या पीएस के लिए नहीं है अवेलेबल। आपको सिर्फ पीसी वर्जन के लिए ये फ्री मिलेगा। और यहाँ पे फिर आपको फ्री कलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही फ्री कलेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा और इसमें लिखा हुआ है कि ऑल गुड, योर गेम इज़ एक्टिवेटेड ऑन योर यू प्ले लाइब्रेरी। दैट मीन्स आपको ये गेम जो है ये आपकी यूबीसॉफ्ट अकाउंट में क्लेम तो हो चुकी है, बट अगर आपको ये गेम खेलना है और डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको यू प्ले लाइब्रेरी से डाउनलोड करना होगा। तो यू प्ले लाइब्रेरी क्या है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यूबीसॉफ्ट का खुद का एक गेम्स का लॉन्चर है, जैसे रॉकस्टार का अगर GTA 5 का जैसे रॉकस्टार गेम लॉन्चर होता है, फोर्टनाइट का, एपिक गेम्स का लॉन्चर है, वैसे ही इनका खुद का एक लॉन्चर है यूप्ले, यूप्ले प्लस और यूप्ले करके एक लॉन्चर है। तो आपको पहले वो यूप्ले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। आपको यहाँ पे आपको दिखा भी देगा कि डू यू हैव यूप्ले। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड यूप्ले और स्टार्ट यूप्ले। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 113 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर देंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसके बाद आप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है उसके बाद आपको यूप्ले में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बोल सकते हैं एक पेज ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना है, जो सेम अकाउंट लॉगिन करना है जो आपने वहाँ पे अकाउंट लॉगिन किया था, जो यूबीसॉफ्ट चाइना की वेबसाइट पे जो आपने अकाउंट लॉगिन किया था सेम अकाउंट आपको यहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो आप वो गेम अवेल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक ही ईमेल आईडी पे
एक परचेस अवेलेबल है फ्री, तो उसके लिए बस उसके बाद आप यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है गेम सेक्शन में। आपका गेम ऑलरेडी क्लेम हो चुका है तो आपको यहाँ पे माय गेम सेक्शन में आपका फायर क्राई 3 दिख जाएगा। आप जैसे ही ये जाएंगे माय गेम सेक्शन में तो आपको वहाँ पे फायर क्राई 3 दिख जाएगा। तो आगे का प्रोसीजर पे चलते हैं, तो फायर क्राई 3 आपको बस अब यहाँ से डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं। आपको ये यूप्ले में से आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा डाउनलोड, डाउनलोड के बाद लोकेट इंस्टॉल्ड गेम और समथिंग। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इसका ट्रेलर भी दिया हुआ है, तो आप अगर आपको ये गेम अभी खेलनी है या बाद में खेलनी है आप एक बार ट्रेलर देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ये फ्री गेम मिल रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। और फार क्राई फ्रेंचाइजी एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, इसका फार क्राई 6 का ट्रेलर जस्ट अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था और बहुत ही बूम हुआ था। तो आपको अगर ये फायर क्राई 3 खेलेंगे तो आपको भी मैं आपको रिग्रेट नहीं करेंगे, मैं इतना श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि आप ये गेम खेलने के बाद रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत ही मस्त गेम है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे पहले देख सकते हैं फायर क्राई 6 के प्रमोशन चालू है, साथ ही साथ ब्रांड प्रमोशन स्ट्रेटेजी अच्छी अपनाई है यहाँ पे इन लोगों ने। तो फायर क्राई 3 डाउनलोड करने के लिए बस आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऐसा विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन सा लैंग्वेज। तो आपने भले चाइनीज़ वेबसाइट से यूबीसॉफ्ट चाइना की वेबसाइट से इसको क्लेम किया है, बट फिर भी आप इसको इंग्लिश में सबटाइटल्स और इंग्लिश लैंग्वेज में खेल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला आपको। फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको आप जिस लोकेशन पे इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपको वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा, लोकेशन को यहाँ पे डालना होगा। ब्राउज करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इस गेम के लिए अराउंड 11095, तो ये गेम मेरे ख्याल से 10 GB के आसपास की है। तो 10 GB की गेम है, ज़्यादा बड़ी गेम भी नहीं है दोस्तों। तो आप आराम से, अगर आप वाईफाई कनेक्शन पे भी नहीं है तो आप अपने डाटा कनेक्शन से भी आराम से थोड़ा एक एक्सटेंड पैक लेके आराम से कर सकते हैं इस गेम को। एक ज़्यादा बड़ी गेम भी नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। मैंने ये इनका फार क्राई 5 ऑलरेडी खेला हुआ है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ही पसंद आया। और आप अगर आपको ये फायर क्राई फ्रेंचाइजी की कोई गेम और खेल, तो अगर कोई आप फ्री गेम और आएगी फायर क्राई की तरफ से तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इनके अभी फायर क्राई 6 जो आने वाली है तो मे बी उनके लिए ये और प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ये प्रमोशन स्ट्रेटजी इन्होंने चाइना में अपनाया था, तो आप ये गेम अवेल करना मत भूलिएगा। बस आप यहाँ पे जैसे ही चेंज कर देंगे उसके बाद आपको बस यहाँ पे कंटिन्यू पे दबाना है। कंटिन्यू पे दबाने के बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट करने के बाद आप सिंपली आप जैसे ही इसको प्ले करेंगे तो उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके साथ इसका एक्टिवेशन कोड मर्ज हो जाएगा और आपका एक्टिवेशन हो जाएगा गेम का। उसके बाद आप फायर क्राई 3 को ऑनलाइन भी खेल सकते हैं और स्टोरी मोड भी खेल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गेम है और 10 GB की है, ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायर नहीं करती, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये गेम डाउनलोड कर लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे माय गेम सेक्शन में ऑलरेडी है, मैंने अभी ये डाउनलोड नहीं किया है, मैं आने वाले टाइम में डाउनलोड करूँगा और अगर हुआ तो इसकी भी एक वीडियो मैं आपके लिए ला के दूँगा। और हम जल्दी मतलब इस गेम की वॉक थ्रू लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमारी हाल फिलहाल एक दूसरी गेम्स की वॉक थ्रू चल रही है, तो हम जरूर इसकी भी लेके आएंगे। और अभी दूसरी गेम जैसे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे माय गेम सेक्शन में एक आपको दिख रहा होगा टॉम क्लेंशी द डिवीजन, अगर आपको ये भी क्लेम करनी है तो इसके लिए हम एक नई वीडियो अभी लेके आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आपको टॉम क्लेंशी द डिवीजन भी आप फ्री में क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और टाइम लिमिट में फायर क्राई 3 का मैं बता रहा हूँ, ये मे बी 7th of September दिस मंथ ही है, और वो वेबसाइट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट में भी थोड़ा रॉन्ग किया हो, बट आप मैं बोलूँगा जल्दी से जल्दी आप बस इस गेम को क्लेम कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप अपने दूसरे वीडियो में, टाटा बाय बाय।